कानपुर के थाना मुगलगंज में हुई सैफ हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 72 घंटे के अंदर करते हुए मुख्य आरोपी सलमान काना और आतिफ इलाही गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 देशी तमंचा भी बरामद किए हैं। पुलिस हत्या आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। हत्या की वजह आईपीएल सट्टे के पैसे के लेन देन को बताई जा रही है। माना जा रहा है कि सलमान काना और आतिफ को आईपीएल सट्टेबाजी के 20,000 रुपए सैफ उफ जबर को देने थे, जिसमें से 15,000 दे भी चुके थे। बाकी बचे हुए 5,000 के लिए सैफ उफ जबर धमकाते हुए गाली गलौज कर रहा था। कई बार सलमान और आदित्य घर के नीचे थी और गाली गलौज भी करते हुए बीते शुक्रवार की रात करीब सलमान कने ने फोन करके सैफ जबर को बुलाया था और जिसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आईपीएल सट्टेबाजी में हुई हत्या के बाद से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि डीसीपी रविंद्र कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। जिस दिन घटना हुई उस दिन सलमान और सैफ के बीच में कुछ तकरार हुई थी, जिसके बाद सलमान ने हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। दिनांक 26/5/2023 को थाना मुलगंज पे जो घटना हुई थी, उस घटना में हमने 307, 147, 147, 549, 504, 504 आईपीसी में करना पंजीकृत किया था और इलाज के दौरान जिनको गोली लगी थी उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद में हमने इसमें धारा 302 को तरमीम किया है। इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, टीम के द्वारा अथक प्रयास के बाद में इसमें 2 उसके जो मुख्य आरोपी हैं सलमान काना और आतिफ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त तमंचे थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। जिंदा कारतूस खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य जो नामजद हैं और सीसीटीवी फुटेज जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो बाकी लोग हैं उनको पुलिस के द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। जो बाकी लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही है। उसको भी हम जल्द गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में उसे हम भेजेंगे। सर, क्या ये सिंगल से जांच कर रहे हैं कि जिनको आपने गिरफ्तार किया है ये भाड़े के हत्यारे भी हो सकते हैं, क्योंकि जिसको जो है मारा गया है वो भी एक हत्यारा था, तो क्या ही कहीं ना कहीं ऐसा भी साबित हो गया? नहीं, अभी तक जो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो मृतक हैं उनके जो वादी हैं, जो उनके भाई है और उनके जो मृतक के दोस्त हैं, बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, और अभी तक जितनी हमने जानकारी हासिल की है उससे तो अभी इस तरीके का कोई बात प्रकाश में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारी विवेचना प्रचलित है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो भी तथ्य आएंगे प्रकाश में कि अगर इस व्यक्ति इस घटना के पीछे अगर कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे है तो उसको भी इसमें हम प्रकाश में लाएंगे और उसके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर, मोटिव क्या रहा है जो सलमान है और आतिफ इसके द्वारा और वहाँ पे जो मृतक है उनके दोस्त के द्वारा भी इस बात का जिक्र किया गया, इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि पैसे को लेन देन के लेकर ये दोनों में विवाद था। जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी सलमान और जो मृतक है उनके बीच में बातचीत हुई है। फिर मृतक अपने घर से बाहर आया और सलमान अपने कुछ साथियों के साथ आया था, आपस में बातचीत हुई, फिर वहाँ पर हॉटटॉक हुई, धक्का मुक्की हुई और इसी दौरान में इस घटना को खारिज किया गया। नहीं, और भी इसमें लोग थे, 2 लोग के अलावा और भी उसमें लोग हैं, उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें हमारी लगी हुई है और काम कर रही है। 2 लोग पकड़े गए सर, असले 4 बरामद हुए। हाँ, तो ये कैसे सर? नहीं, क्योंकि घटना में और लोग भी थे, जो लोग हमारे अभी गिरफ्त में नहीं हैं और इनके पास भी असलहा था, जो लोग अभी घटना में थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है उसे भी हम पकड़ेंगे। सर, कुछ जानकारी मिली कि इन्होंने असले कहाँ से लिए थे? नहीं, इनसे पूछताछ की गई कि ये सोर्स ऑफ कहाँ है, इसका जो असलहा जो इलीगल वेपन्स है कहाँ से लिया गया है। इसके द्वारा इसमें कुछ जानकारी नहीं बताया जा रहा। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि रकम मेरा दोस्त था कहीं जनपद का, उसके द्वारा असलहा दी गई है, लेकिन हम इसमें पता लगा रहे हैं कि असलहा कहाँ से है। पुलिस के द्वारा इसके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है कि अवैध असलहे की ऊपर भी हमारा अभियान चल रहा है और थाना क्षेत्रों में हम अवैध असलाह पकड़ रहे हैं और इसके ऊपर भी हम कार्रवाई आर्म सेट के तहत में कार्रवाई हमारी जारी है। सर, 20,000 रुपए का लेन देन था जिसमें 15,000 सर उसने वापस भी कर दिए, 5,000 रुपये बचा हुआ था, क्या माना जाए कि 5,000 रुपये की हत्या की गई है? जो इनके द्वारा जो बातें बताई है उनमें तो यही बात समझ में आ रही है जो प्रकाश में आई है, लेकिन ये हम इसको तह तक जाएंगे कि क्या मोटिव जो है सिर्फ 5,000 रुपया था या 20,000 रुपया का लेन देन था या और कोई जो है हिडन एजेंडा था, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है।